टीकमगढ़ शहर के नजरबाग खेल मैदान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 जनवरी से 24 जनवरी तक महिला लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से महिला टीमें आमंत्रित की गई हैं। जिसकी तैयारियों को लेकर महिला लेदर बॉल टूर्नामेंट कमेटी ने नगर के महिला पार्क में मंगलवार की शाम एक बैठक आयोजित की। बैठक में हर वर्ष से इस वर्ष महिला टूर्नामेंट को भव्य रूप देने के लिए टूर्नामेंट कमेटी के सभी सदस्यों ने चर्चा की और महिला टूर्नामेंट की रूपरेखा बनाई। इस मौके पर रोहित वैद्य और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या आज अमर शहीद महिला अंतर्राज्यीय लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का छठवां वर्ष है होने जा रहा है अपने नजरबाग प्रांगण में। तो आज हम सभी टूर्नामेंट के कार्यकर्ताओं ने, हमारे वरिष्ठ जो खिलाड़ी हैं सचिन ठगन जी, रोहित खटीक जी, रोहित वैद्य जी और शरद विश्वकर्मा जी जैसे सभी भाई बंधुओं ने मिलकर अपने आगामी टूर्नामेंट को भव्य बनाने के लिए एक मीटिंग की है। और आज हम लोगों ने जो हमारे शहीद परिवार के जो हमारे भाई बंधु हैं उनका आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। और भावी जो हमारा टूर्नामेंट होने जा रहा है 17 जनवरी से 24 जनवरी उसको भव्य बनाने के लिए हम लोग ऐसी एक और मीटिंग करते रहेंगे। तो क्या पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों की मैच किए जाएंगे? इसमें हम लोग महिला टूर्नामेंट कराते हैं जो कि हमारी नेपाल, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, दमन दीव और टीकमगढ़ की जो हमारी टीम रहेगी उसको हमारे जो हमारे गुरु क्लब जो कि हमारा टीकमगढ़ का क्लब है गुरु क्लब, उनके नाम से हम अपनी टीकमगढ़ टीम को खिलाएंगे अपने यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।